म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। कौन सा म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा, कौन से म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखाएं, पोर्टफोलियो का डिजाइन कैसा होना चाहिए, कितना पैसा किस म्यूचुअल फंड में लगाएं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फिनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे वहाँ व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए आज के वीडियो का क्या विश्लेषण होगा सबसे पहले हम समझते हैं। देखो, मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है और हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को नुकसान जरूर देखने को मिल रहा होगा किसी ना किसी म्यूचुअल फंड में। इट मीन्स कि अगर आप 6 महीने का रिटर्न देखोगे या फिर 8 महीने का रिटर्न देखोगे या फिर 3 महीने 2 महीने का रिटर्न देखोगे तो आपको यहाँ पे नुकसान ही देखने को मिल रहा होगा। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, एग्जैक्टली जब मार्केट में गिरावट हो तो क्या क्या आपको गलतियाँ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेकर नहीं करना चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट, जब भी आप बुरे म्यूचुअल फंड से बाहर निकले तो मार्केट का कंडीशन अच्छा हो तभी बाहर निकले। मैंने बहुत ऐसे इन्वेस्टर को देखा है जब मार्केट में गिरावट होता है तभी बुरे म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाते हैं। देखो, सबसे पहले आप ये देखो, जिस म्यूचुअल फंड से मैं बाहर निकल रहा हूँ क्या वो अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को बीट कर रहा है, क्या वो अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहा है, तो आपको वैसे म्यूचुअल फंड से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बुरे म्यूचुअल फंड से बाहर तब निकलना है जब मार्केट का कंडीशन अच्छा हो। देखो, बुरा म्यूचुअल फंड भी होगा तो आपको नुकसान तो नहीं देगा, हाँ रिटर्न कम दे सकता है लेकिन नुकसान नहीं देगा। तो अगर आप बुरे टाइम में बुरे म्यूचुअल फंड से निकलोगे तो नुकसान आपको फेस करना पड़ सकता है, इट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट से भी कम आपको पैसा वहाँ देखने को मिलेगा। तो इसलिए जब मार्केट अच्छा हो तो बुरे म्यूचुअल फंड से बाहर निकले। सेकेंड पॉइंट, देखो मार्केट में पिछले 6 महीने और 8 महीने से ज़्यादा गिरावट है तो मैं कई बार इन्वेस्टर के साथ ये देखता हूँ कि अच्छे म्यूचुअल फंड के साथ बने हुए हैं लेकिन उनको नुकसान हो रहा है तो वहाँ पे उन्होंने सारा यूनिट रिडीम किया और दूसरे म्यूचुअल फंड में छलांग लगा दिया। देखो, गिरावट के समय में आपको बहुत फ्रिक्वेंटली फंड चेंज नहीं करने हैं। आपको ये ज़रूर देखना है कि मेरे म्यूचुअल फंड में क्यों गिरावट हो रहा है। सबसे पहले आप रीज़न को सर्च करो, गिरावट हो रहा है क्या मार्केट का कंडीशन वैसा है इसलिए गिर रहा है या उस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस वैसा है। अगर वाकई में मार्केट में गिरावट के चलते आपके फंड में गिरावट हो रहा है तो आप फंड चेंज नहीं करो। मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर को देखा है, गिरावट है पिछले 6 महीने 8 महीने से और यहाँ पे धड़ाधड़ फंड में चेंजेस हो रहे हैं। चलो, आज पराग परिक फ्लेक्सी के म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस सही नहीं है, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अब कौन सा फंड सेलेक्ट करें, SBI फोकस्ड फंड में चलते हैं, वहाँ भी 2-3 महीने का समय दिया, वहाँ भी नुकसान, अब कौन सा फंड बचा, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में चलते हैं। ऐसे आप फ्रिक्वेंटली अगर फंड चेंज करोगे गिरावट के समय में आपको कोई भी फंड मुनाफा बना के नहीं देगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। आपको यहाँ पे लंबे समय, इट मीन्स कि थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा और अगर आप इतना फ्रिक्वेंटली फंड चेंज करोगे तो लंबे समय में भी आपको नुकसान होगा। नुकसान कैसे, जहां एनुअल बेसिस पे आपको 16-17% का रिटर्न मिलने वाला था आपको एनुअल बेसिस पे 13-14% का रिटर्न मिलेगा, तो 2-3% का नुकसान तो हुआ। तो इसीलिए फ्रिक्वेंटली फंड चेंज नहीं करना है जब मार्केट में गिरावट हो। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा इस गलती को दोहराते हैं, कभी भी गिरावट में SIP को स्टॉप नहीं करना है। जी हाँ, मैं दोबारा बोलता हूँ, कभी भी गिरावट में अपने SIP को स्टॉप नहीं करना है, यही समय होता है पैसा बनाने का। एग्जैक्टली, इस समय में जितना पैसा लगाओगे SIP में लंबे समय में आपको उतना ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है इस पॉइंट के अंदर कि कोई SIP स्टॉप नहीं करना है या 2 या 3 महीने के लिए कोई SIP पॉज नहीं करना है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो गिरावट में कभी भी, इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि ये भी इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, गिरावट में कभी भी आपको पूरा पैसा एक फंड में नहीं डालना है। जी हाँ, मैं फिर से बोलता हूँ, गिरावट में कभी भी पूरा पैसा एक फंड में नहीं डालना है, आप डाइवर्सिफिकेशन के साथ चलें, ये काफ़ी ज़रूरी है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पूरा पैसा एक शॉट में भी इन्वेस्ट नहीं करना है। मैंने कई बार इस पॉइंट को आपके सामने रखा है और मैं फिर से रखता हूँ क्योंकि बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो गलती कर रहे हैं। मान लो आपके पास 5-6 लाख रुपये है, तो ऐसे में आप 5-6 लाख रुपये एक शॉट में लगा दोगे
तो क्या आप श्योर एंड सर्टेन हो कि उस पॉइंट से मार्केट ऊपर ही जाएगा? जी नहीं, वहां से गिरावट भी हो सकता है। और वैसे में जो आपने 5 लाख रुपए लगाया था, हो सकता है 4,50,000 रुपए के करीब में बच जाए। फिर आप बोलोगे कि यार म्यूचुअल फंड से तो पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल है। बनाना काफ़ी ईजी है, लेकिन कुछ प्रिंसिपल आपको याद रखने पड़ेंगे। गिरावट में जब आप लमसम कर रहे हो तो यहाँ पे एक शॉट में पैसा नहीं लगाना है, कम से कम 4 से 5 इंस्टॉलमेंट में कर दो। और जब जब गिरावट हो तो धीरे धीरे पैसा लगाएं। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में भी आपके पोर्टफोलियो में ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेगा। इस स्ट्रैटेजी को याद रख लें, ये आगे काफ़ी आपको काम आएगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो इन्वेस्टर गलती करते हैं जब SWP के थ्रू पैसा निकालते हैं, तो गिरावट में कुछ ज़्यादा अमाउंट आपको SWP का इंक्रीज नहीं करना है। जो भी आपका प्लानिंग है उतना अमाउंट ही भी रखना है। कई बार इन्वेस्टर क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है तो गिरावट में ही कुछ ज़्यादा पैसा यहाँ पे विड्रॉ करने लगते हैं। वैसे में क्या होता है कि फंड पे आपको ज़्यादा असर पड़ता है। तो जब भी अगर आप SWP के थ्रू पैसा निकाल रहे हैं तो गिरावट में थोड़ा सा कंट्रोल करके चले, SWP के अमाउंट को ना बढ़ाएं। जब मार्केट में तेजी हो तो आप अपने SWP अमाउंट को बढ़ा सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मैं बार बार ऐसे पॉइंट इन्वेस्टर के सामने इसलिए रखता हूँ कि कहीं आपके माइंड से स्लिप ना हो जाए एक पॉइंट और आप कहीं गलती ना कर दो। हालांकि कई बार मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर जो उनके पास काफ़ी नॉलेज है, वो भी छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, बाद में उनको अफसोस होता है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने इन्वेस्टर को, मैं अपने व्यूअर्स को टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूं। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को वेल मेंटेन रखें और एग्जैक्टली कोई गलत डिसीजन ना लें। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, भेजिए कमेंट बॉक्स में, क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को लिंक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।